हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7B। थ्री रिलेशंस आर गिवन। ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी, एंड सी रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वी हैव टू प्रूव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। वी विल ट्राई टू मेक बेस इक्वल। अब देखिए, इन तीनों रिलेशंस को हमें कंबाइंड करके इस वाले रिलेशन को लेकर के आना है। तो देखिए कैसे हम इन्हें कंबाइंड कर सकते हैं। वन इज सी रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए। सपोज रिलेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हम कहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड वाले रिलेशन को लें तो यहाँ से हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन दिस। देन यूजिंग इक्वेशन 3, ए के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं सी रेज टू द पावर जेड एंड दिस पावर एक्स एज इट इज। नाउ बाय पावर लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्सेस, अगर इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स है तो इंडेक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सी रेज टू द पावर जेड एक्स इज इक्वल टू बी, आप मेंशन कर दीजिए। ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम एन। नाउ अब देखिए, सेकेंड वाले रिलेशन को अगर हम यूज करें तो यहां से हम सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन दिस। नाउ वी आर यूजिंग इक्वेशन 2, सी इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं बी रेज टू द पावर वाई एंड दिस होल पावर एज इट इज। अगेन वी आर यूजिंग पावर लॉ, बी रेज टू द पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग बेसिस सेम है, इट मीन्स इंडेक्स भी सेम होंगे। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। पर 9, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिफरेंस ये है, इसमें हमें a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c रेज टू द पावर z, ये रिलेशन गिवन है। और सेकेंड रिलेशन गिवन है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी में गिवन है, और इनकी हेल्प से हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। अगर इस टाइप से थ्री वैल्यूज हमें इक्वल गिवन होंगी इन एनी क्वेश्चन, तो हम इसे k मेथड से सॉल्व करेंगे। k मेथड है कि हम इसको लेट कर लेंगे, लेट इट बी इक्वल टू k। नाउ If a raised to the power x is equal to k, then a is equal to k raised to the power 1 upon x. आप इस पावर को शिफ्ट कर देंगे। Similarly, b raised to the power y is equal to also k, then b is equal to k raised to the power 1 upon y. And c raised to the power z is equal to k, it means c is equal to k raised to the power 1 upon z. Now, रिलेशन हमें गिवन था एबीसी में, क्वेश्चन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम दीज इक्वेशन इन दिस यूजिंग 1, 2 एंड 3। बी के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं के रेज टू द पावर 1 अपॉन वाई एंड दिस पावर 2 एज इट इज। ए के प्लेस पर के रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स एंड सी के प्लेस पर के रेज टू द पावर 1 अपॉन जेड। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड वी आर यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर लॉ। पावर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इट इज के रेज टू द पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस एप्लीकेबल होगा। सेम बेस पर पावर्स एड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। नाउ बेस इक्वल है, इट मीन्स इंडाइसेस भी इक्वल होंगे। 2 अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे हम, दिस विल बिकम दिस y अपॉन 2। दोनों साइड से आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। अब जस्ट 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, और यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमें
देखिए कुछ नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के सिमिलर ही रिजल्ट गिवन है, और इस रिजल्ट की हेल्प से हमें ये नया रिजल्ट प्रूव करना है. लेट इट बी इक्वल टू के, देन कंसिडर फर्स्ट एंड के, 5 raised to the power -p इज इक्वल टू के. इट मीन्स 5 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर माइनस 1/p. सिमिलरली इफ 4 raised to the power -q इज इक्वल टू के, देन 4 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर माइनस 1/q. एंड इफ 20 raised to the power r इज इक्वल टू के, देन 20 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1/r. नाउ this is relation number 1, this is 2 and this is 3. Multiplying 1 by 2, we will get 5 multiplied by 4 is equal to k minus 1/p multiplied by k minus 1/q. Now, 5 into 4 is 20 and multiplication mein same base per powers add ho jayenge. This is equal to this. Ab 20 ki value hum put kar rahe hain relation number 3 se. k^1/r. अब बेस सेम है, इट मीन्स इनके इंडेक्स भी सेम होंगे. दिस इज इक्वल टू दिस. दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आइए. 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0. यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें रिजल्ट गिवन है दिस एंड वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट. तो जो हमें गिवन है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है. m प्लस 1 raised to the power -1, इट मीन्स दिस इज 1/m+n. इन ब्रैकेट m raised to the power -1 इज इक्वल टू 1/m. दिस इज 1/n. LCM ले लेते हैं. दिस इज एम एन एंड इन न्यूमरेटर एम प्लस एन, दीज आर कैंसल्ड आउट एंड 1/mn को हम लिख सकते हैं m^-1 n^-1. नाउ ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू हमें मिल रही है -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो -1. नाउ जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. दैट इज x + y + 2. वैल्यूज पुट कर दीजिए. x is -1, y is -1. इट इज 0 और यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 10th में भी हमें एक रिजल्ट गिवन है और उसकी हेल्प से सेकेंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है. जो रिजल्ट हमें गिवन है उसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज एक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और सिंगल वेरिएबल एक्स में है. तो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस एक्स की वैल्यू को पुट करके रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बेस इक्वल करके. तो इसमें बेस इक्वल करेंगे. 25 को हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2 एंड दिस होल पावर एज इट इज. नाउ बाय द थर्ड लॉ, पावर लॉ, इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय x - 2 बिकॉज a^m^n इज इक्वल टू a^mn. इक्वल टू 2x - 4. नाउ x + 1 विल बी इक्वल टू 2x - 4. एक्स इज इक्वल टू 5. अब एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है तो इसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. उसमें हमें फाइंड आउट करना है 3 raised to the power x minus 3.
मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू। तो चलिए x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 और 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 5। दिस इज 3 रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर माइनस 2। टू द पावर 2 इसको हम अपॉन में ले लेते हैं, पावर प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। 3 रेज टू द पावर 2 इज 9 एंड 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, 2 एंड 1 बाय 4, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें, आप देखिए, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक्सपोनेंट वाली टर्म्स को हम एक साथ लेफ्ट साइड में कलेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इट इज 4 रेज टू द पावर x प्लस 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर x। 4 रेज टू द पावर x इज कॉमन, वी विल गेट 4 रेज टू द पावर 3 माइनस 8। 4 raised to the power 3, 4 multiply by 4 multiply by 4, this is 64. Is equal to 112, it means 4 raised to the power x is equal to 112 divided by 56. अब इनको कंपेयर करने के लिए हमें बेस सेम करना होगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 एंड दिस x पावर एज इट इज। नाउ बाय पावर लॉ दिस इज 2 रेज टू द पावर 2x, बिकॉज a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। दिस इज 2 रेज टू द पावर 1, इट मींस 2x पावर्स विल बी इक्वल इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब इस x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप इसको स्टार्टिंग में 4 रेज टू द पावर x अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं ले रहे हैं तो 2 की पावर्स में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको वैल्यू सेम मिलेगा। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू कैन से इन सेकेंड पार्ट 18x रेज टू द पावर 3x। तो चलिए x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पर 1 बाय 2 इन पावर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, 9 रेज टू द पावर 3 बाय 2। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट इसको सोच पा रहे हैं कि 1 बाय 2 पावर का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट, तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको 9 को पुट कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 एंड होल पावर 3 बाय 2 एज इट इज। नाउ By the power law, powers will be multiplied. It is 3 raised to the power 3. It means 27. Question number 14 में भी exponential equations given है और हमें x की value find out करनी है। Equations को हम solve कर पाएंगे when base will be equal. तो देखिए 4 को हम put कर सकते हैं 2 raised to the power 2 and a whole power x minus 1 as it is. 0.5 is equal to 1 upon 2 and a whole power 3 minus 2x as it is. 1 upon 8 is 2 raised to the power 3 and whole power minus x as it is. Now, 2 की powers में convert करते हैं, by the power law, third law of indices, powers की multiply हो जाएगी 2x minus 2. इसको आप numerator में ले लीजिए, 2 raised to the power minus 1 and whole power 3 minus 2x. सिमिलरली इसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लीजिए, 2 रेज टू द पावर माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस एक्स। थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस अगेन अप्लाई करेंगे तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 2x एंड यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 3x। अब मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस पर पावर्स एड हो जाएंगी, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस पावर्स को ऐड कर देंगे हम, माइनस 3 प्लस 2x दिस इज 4x माइनस 5। नाउ बेस सेम है, इट मींस इंडाइसेस भी सेम होंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x।
is equal to 5 means the value of x is 5. Second part, a raised to the power 3x plus 5 raised to the power 2. Clearly, power law applicable होगा. चलिए पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 से 3x plus 5 को मल्टीप्लाई होगा 6x plus 10. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट 4x इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड राइट हैंड साइड एज इट इज मेंशन कर दीजिए. वी आर यूजिंग पावर लॉ हेयर. अब फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस से मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी. 6x प्लस 10 प्लस 4x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 8x प्लस 12. इट इज a रेज टू द पावर 10x प्लस 10. ऑन कंपेयरिंग बेसिस आर सेम सो इंडाइसेस विल बी ऑल्सो सेम. टू एक्स इज इक्वल टू टू सो एक्स इज इक्वल टू वन. इन थर्ड पार्ट प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे बेस सेम करने के लिए. 81 को आप चेंज कर लेंगे. दिस इज 3 रेज टू द पावर 4 एंड होल पावर 3 बाय 4. 32 इज 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल पावर माइनस 2 अपॉन 5 प्लस एक्स 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 1. 2 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1. किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. 27 3 रेज टू द पावर 3. नाउ बाय द पावर लॉ पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसको हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं. 2 रेज टू द पावर माइनस 5 एंड होल पावर माइनस 2 बाय 5. इसको भी न्यूमरेटर में ले लीजिए. दिस विल बिकम 2 रेज टू द पावर माइनस 1. नाउ दिस इज 3 रेज टू द पावर 3. इन पावर लॉ से पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. यहां पर भी पावर लॉ अप्लाई होगा. 3 दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2x. इसको भी लेफ्ट साइड में ही ले लेते हैं. नाउ दीज आर कैंसल्ड आउट. 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2. यू कैन से 4. देन x इज इक्वल टू 2. फोर्थ पार्ट इसको भी बेस सेम करेंगे. प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 3 और ये भी हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं इज इक्वल टू 48. नाउ लुक एट लेफ्ट हैंड साइड. 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 1 इज कॉमन. अब यहां से हमें मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2. 3 प्लस 3 पावर थी 1, हमने ले लिया 2 रिमेनिंग एंड सेकेंड टर्म 1 is equal to 48. 2 raised to the power 2 is 4. 2 raised to the power 3x plus 1 is equal to 16. अब 16 को भी हमें represent करना होगा 2 की powers में and this is 2 raised to the power 4. So 3x plus 1 is equal to 4. 3x is equal to 3. So x is equal to 1. 3 into 2 raised to the power x plus 1 multiply कर लेते हैं. Plus 3 minus 2 raised to the power x plus 2 plus 5 is equal to 0. Now इन दोनों टर्म में आप देखिए 2 रेज टू द पावर x कॉमन है. यहां से हमें मिलेगा 3 और यहां से मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2 एंड दिस 3 प्लस 5 इज 8.
2 raised to the power 2 means 4. This is minus 1. 2 raised to the power x is equal to 8. और 8 को हम 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर 3, सो x इज इक्वल टू 3. लास्ट पार्ट, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करते हैं. क्लियरली 9 रेज टू द पावर x इज कॉमन, वी विल गेट 9 रेज टू द पावर 2 माइनस 1. This is 81. Nine raised to the power x is equal to 9. It means x is equal to 1. Now we have completed our exercise 7th B. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7th C, मिसलेनियस एक्सरसाइज की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.